हेलो दोस्तों, और आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं आईबी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें जो है ये सभी टाइप के क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करेंगे, चाहे वो जीके से हों, चाहे वो फिजिक्स से हों, साइंस से हों, ओके, हिस्ट्री से हों, ज्योग्राफी से हों। और इससे जो है आपको एक ब्रीफ नॉलेज होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में, नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड। ओके, तो जब ये एक्ट जो है ये पास हुआ था, तो उस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर है फर्स्ट लॉर्ड वेलिंगटन। ओके, लॉर्ड वेलिंगटन वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन 1935 इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मैनी टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ओके, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में जो है अरुण जेटली जी ने क्या अनाउंस किया है कि कितने जो टॉयलेट बनेंगे, तो ये बनेंगे 6 करोड़। ओके, तो जैसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो हिस्ट्री का था। ओके, अब जो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपने जो है ऐसे कंसीडर करने हैं कि हिस्ट्री से कितने टोटल क्वेश्चन, अगर हम 25 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो 25 क्वेश्चन में से हिस्ट्री के सपोज आगे हमारे पास 3, करंट अफेयर के आगे हमारे पास 2, ओके, साइंस से आगे हमारे पास सपोज 5। तो ऐसे जो है आपने इन सभी को डिवाइड करके अपनी तैयारी रखनी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं, महाभाष्य। ओके, महाभाष्य वॉज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी? पतंजलि के द्वारा ये लिखी गई थी। ये भी जो है एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एलिमिनेट द ग्लेयर ऑफ हेडलाइट इन मोटर कार्स। ओके, मोटर कार्स यहाँ पे जो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो मोटर कार्स के जो हेडलैम्प होते हैं, ओके, तो उनमें से जो रोशनी है वो ज़्यादा फैले नहीं, मतलब इधर उधर ना जाके बल्कि स्ट्रेट जाए, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए यूज़ करते हैं पोलरॉइड्स। उसके बाद क्वेश्चन है, शर्मिला निकोलेट एक पर्सन है, इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेट। तो ये जो पर्सन है शर्मिला निकोलेट, ये प्लेयर हैं, ये किस जो है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं? आपका सही उत्तर है गोल्फ से। तो नाम याद रखना है शर्मिला निकोलेट, और आप जो है इसके स्टेट के बारे में भी गूगल कर सकते हैं, तो वो भी इसमें इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, और इसने क्या कौन कौन से मेडल जो है अभी हासिल किए हैं, इसके बारे में भी आपने जो है गूगल करना है। उसके बाद है 2017 एशियन पैरासाइकिलिंग चैम्पियनशिप हेल्ड। तो 2017 की एशियन पैरासाइकिलिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? नेपिडो में हुई थी, और ये कहाँ पर है? साउथ कोरिया में है, साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया की आप जो है करेंसी गूगल करेंगे एंड कैपिटल गूगल करेंगे। और उसके बाद है जो पैरासाइकिलिंग चैम्पियनशिप हुई, तो इंडिया के इसमें कितने मेडल थे, और जो गोल्ड मेडल थे वो किन किन प्लेयर ने जीते, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है माधवूर वासुदेवन नायर। ओके, वासुदेवन नायर जो थे अभी चले गए हैं, तो ये किस डांस से रिलेटेड थे? तो ये कथकली डांस से रिलेटेड थे। ओके, तो इसमें आपके लिए बताते हैं कि आपने जो है भरतनाट्यम देखना है कि किस स्टेट का है। ओके, सत्रिया देखना है, कुचिपुड़ी देखनी है, एंड कथकली देखना है, कि ये चारों जो है ये किस स्टेट के जो है ये डांस हैं। ओके, ये सभी आपने जो है ये भी जानना है। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू अडोप्ट हिंदी और एनी स्टेट लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। तो लैंग्वेज के बारे में जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 345, 345। उसके बाद आर्टिफिशियल हार्ट जो है ये किसने बनाया था, किसने इसको इसको जो है इन्वेंट किया था? तो पॉल विंचेल ने जो है इसको इन्वेंट किया था, आर्टिफिशियल हार्ट को। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड बिकॉज द वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज बिकॉज ऑफ क्राइंग। मतलब जब हम रोते हैं तो आंखों में से तो आता ही है, उसके साथ साथ नोज में से भी हमारे जो है वो पानी आता है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हमारे अंदर एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है, लैक्रिमल लैक्रिमल ग्लैंड जो है हमारा, वो आँखों से भी और नोज़ से भी जो है वो जुड़ा होता है। तो जो ये ग्लैंड है, अगर ये आँखों से और नोज़ से जुड़ा है, तो जैसे ही आँखों में टीयर्स आएंगे, वैसे ही नोज़ में भी जो है आपके पानी आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, फुल फॉर्म है प्रोम की। प्रोम की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो प्रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, पी रोम से भी हम इसको याद रख सकते हैं, पी से प्रोग्रामेबल और रोम से क्या है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन है, तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज। तो क्यों ये साउथ वेस्ट मानसून में भी यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसका कारण क्या है? और इसमें आप देख सकते हैं कारण, इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया का मतलब है वहाँ पे जो है इस ये रेन जो है नहीं होगी, रेन जो है वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि रेन शेडो एरिया है तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु की आप कैपिटल देखेंगे और यहाँ की जो है गवर्नर देखेंगे। तो ऐसे जो है आपने तैयारी रखनी है अपनी। उसके बाद अंडर व्हाट कंडीशन अ लिक्विड इज सैड टू बी बॉइलिंग। तो किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो लिक्विड है, जो तरल है, वो अब उबल चुका है, बॉयल हो चुका है? तो फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने तीन डायनेस्टी का बताना है। तो सबसे पहले इसमें स्लेव आई थी, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। उसके बाद जो है यहाँ पे सैयद आए थे और उसके बाद आए थे फिर लोदी डायनेस्टी। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑडिट्स द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो मतलब जो है स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट का ऑडिट कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करती है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसका ऑडिट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, बजट 2018 द डिडक्शन अवेलेबल फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 30,000 to 50,000, 30,000 to 50,000। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, अंडर द बजट 2018 अरुण जेटली प्रपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू टनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य में सुरंग बनेगी नई, 2018 के बजट में ये बताया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो है ये सुरंग बनेगी। तो अरुणाचल प्रदेश के आप जो है यहाँ पे नेशनल पार्क देखेंगे, कैपिटल देखेंगे और यहाँ पे इसका गवर्नर देखेंगे कि कौन सा है। और हो सकता है तो कि और जो पास हैं इसमें कुछ, वो भी आप जो है देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम नीड्स डैश इन हिज विटामिन। तो इसकी कमी किसके कारण होती है? विटामिन सी के कारण। अगर आप विटामिन सी लोगे तो ब्लीडिंग गम जो है आपको नहीं होगा। ऐसे अब आप सर्च करोगे कि विटामिन ए से क्या होगा, विटामिन B12 से और विटामिन के से क्या होगा, तो आपको जो है और भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि टोर्क की SI यूनिट क्या है? तो टोर्क की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राजा शिवाजी किल्ड अफजल खान इन 1659। ओके, किस किले में, किस फोर्ट में जो है शिवाजी ने अफजल खान को 1659 में मारा था? तो प्रतापगढ़ के किले में जो है अफजल खान को मारा गया था। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कब मारा गया था, तो ये मारा गया था 1659 में। ओके, तो आप जो है इसको सभी तरीके से जो है क्वेश्चन को याद रखेंगे कि अफजल खान किसके द्वारा मारा गया, शिवाजी के द्वारा। अगर क्वेश्चन है कि शिवाजी ने 1659 में जो है किसको मारा था, तो आपका आंसर होगा अफजल खान को। तो ऐसे जो है हमने इसमें क्वेश्चन याद करने हैं कि कितने हिस्ट्री के थे इसमें से, ये टोटल हमने 25 क्वेश्चन किए, तो इन 25 क्वेश्चन में टोटल हिस्ट्री के कितने थे, ज्योग्राफी के कितने थे, पॉलिटी के कितने थे,
साइंस के कितने थे, करंट अफेयर के कितने थे, ऐसे जो है हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करके इनके जो है हमने प्रिपरेशन करनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास लेकर के आ सकें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टैंडर्ड का जो है वो पता चल सके। थैंक यू दोस्तों।